नमस्कार दोस्तों, मैं आदुर राजपूत आपका स्वागत करता हूँ आईएमएस टुडे में। सो आज हमारे साथ आईएमएस यूसी कैंपस में मौजूद है संदीप रस्तोगी जी, नियो बैंक रैपी पे में बिजनेस हेड हैं। सो आज हम इनसे पूछेंगे कि इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा आईएमएस यूसी कैंपस में आने के बाद। मैं आज पहली बार आईएमएस आया और मुझे यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा, दो कारणों से। एक, जो आपकी हॉस्पिटैलिटी है वो ग्रेट है, और यहाँ के जो बच्चे हैं उनके अंदर जो चमक है चेहरे पे, मुझे आगे बढ़ना है, आगे सबसे आगे बढ़ना है, और अगले 3 से 4 साल के अपने कैरियर में जब वो आईएमएस में अपना समय बिताएंगे उसको वो सबसे बेस्ट कैसे करना चाहते हैं, ये उनके अंदर बहुत ही अच्छा लगा। दूसरा, आपकी जो फैकल्टी है वो उतने ही ज़्यादा एक्टिव तरीके से आपके साथ हेल्प कर रही है और आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे साधन उपलब्ध करा रही है। मैं बहुत बहुत उनको बधाई देता हूँ, और अच्छा लगेगा कि आप में से कुछ लोग आगे चल के भारत का बहुत ज़्यादा नाम रोशन करें। सर, कई बार ऐसा होता है ना, बच्चे जो हैं डीमोटिवेट हो जाते हैं, कई बार कई कारणों से इंटरव्यू वगैरह क्रैक नहीं कर पाते, सो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इंटरव्यू क्लियर करना एक वनडे गेम है, राइट? और एक वनडे गेम को जीतने के लिए आपको वर्षों मेहनत करनी पड़ती है। आपका एक दिन बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत खराब हो सकता है, लेकिन अगर आपने तैयारी अच्छी की है और आपको अपने विषय का प्रॉपर ज्ञान है कि मुझे क्या करना है, मेरी क्या स्ट्रेंथ है, मुझे किन चीज़ों के ऊपर और मेहनत करनी है, वो दिन भी बहुत आसानी से आप देख पाओगे। जब आपके के अगर कोई दिन खराब गया है तो अगला दिन अच्छा होगा। हर रात के बाद एक नया सवेरा होता है, और मुझे लगता है कि ये केवल एक इंसिडेंट की बात है जब आपको लगता है कि मैंने इंटरव्यू क्लियर नहीं किया। जहाँ तक रही बात डीमोटिवेट होने की, सो मैं हमेशा ये मानता हूँ कि ये झंझावात हैं जो आपकी लाइफ में आते हैं। आपको अपनी इंटीग्रिटी को बना के, अपनी चीज़ों को फिर से रीइंगेज करके, क्या आपने सही किया, क्या आपने गलत किया, उसको फिर से सोचिए, विचारिए, और जहाँ कहीं भी थोड़ी चूक रह गई हो उसके ऊपर फिर से काम कीजिए। इंटरव्यू क्या, आप दुनिया जीत सकते हैं। तो सर, कई बार जैसे आप हमारे यहाँ पर आए, आप और भी कॉलेजेस में जाते होंगे, आपने आईएमएस में कुछ न्यू देखा? बिल्कुल। सो मेरा यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं रखना चाहूँगा कि हम लोग दूसरे कॉलेजेस में भी जाते हैं। जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उसके अंदर केवल क्लासरूम एजुकेशन इम्पोर्टेंट नहीं होता, इम्पोर्टेंट ये है कि उन क्लासरूम एजुकेशन को आप एप्लीकेशन में कैसे लाते हो। अगर वो किसी भी कॉलेज कैंपस में हो रहा है जहाँ पे आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं कि आप अपनी उन क्लासरूम स्टडीज़ को प्रैक्टिकल तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, दैट इज़ द बेस्ट थिंग विच यू नीड टू डू। सेकेंड इज़ कि जब मैं कंपेयर करता हूँ दूसरे कॉलेजेस के साथ, जो अपॉर्चुनिटीज़ आईएमएस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में अवेलेबल है शायद उस स्केल पे उतनी विशालता के साथ या उतना डीप एक्सपीरियंस के साथ दूसरे कॉलेजेस में उपलब्ध नहीं है। जैसे कि मैं जानता हूँ कि आईएमएस ऑलमोस्ट 32 इयर्स पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, और आपने इस इंडस्ट्री को बहुत नज़दीक से बहुत ही चेंज होते हुए देखा है। मुझे उम्मीद है कि जो एक्सपीरियंस जो आपकी फैकल्टी या आपके जो लोग जो आपके साथ दिन रात मेहनत करते हैं, जिस तरह की वो मेहनत कर रहे हैं, आपको सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, वो निश्चित ही सफल होगा। और निश्चित ही मुझे एक बहुत बड़ा एडवांटेज लगता है जो बच्चे आईएमएस में हैं वर्सेस दूसरे कॉलेजेस में हैं। थैंक यू सर। जैसा आप सभी ने देखा, सर ने बखूबी सारे सवालों का जवाब दिया। आज के लिए बस इतना ही। कैमरामैन अभिनव के साथ आदुर राजपूत, आईएमएस टुडे।